आपको पता है अंगूर जी, मैं तो ठंड के मौसम में भी ना एक दिन में दो दो तीन तीन बार नहा लेती हूँ। क्या बात है भाभी, दैट इज व्हाई यू आर सो क्लीन, सो क्लीन। शी इज नॉट क्लीन, ये पैदाइशी गोरी है। सो क्लीन, सो क्लीन। बट आई एम आल्सो क्लीन ना। ऑफ कोर्स यू आर क्लीन, या यू आर। हाँ अनीता जी, वैसे कोई भी मौसम हो ना, हम भी दो ठो बार नहाते हैं दिन में। भाभी जी, आप नहीं भी नहाए तो चलेगा, क्योंकि आप वैसे बहुत नहकती हैं। ये तो नहाते नहीं हो कभी, ये तो आपके जो पति देव हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप, बल्कि आप नहीं महीनों महीनों नहाते होंगे। एक्सक्यूज मी, सर्दी हो या गर्मी, मैं दिन में तीन बार नहाता हूँ, थ्राइस अ डे जी। काफी घिसे हुए लग रहे हैं। देखो कम ऑन, ये ना बहुत ज्यादा हो गया। सच बताओ ना, ठंड के मौसम में तुम एक दिन में तीन तीन बार, क्या तीन तीन महीने में एक बार भी बहुत मुश्किल से नहाते हो। आप इतना जोर जोर से काहे हंस रहे हैं? हाँ आप भी तो पूरा सर्दी बिना नहाए निकाल देते हैं। वेल सेड भाभी जी, वेल सेड। अच्छा अंगूरी जी, आज आप रात को क्या कर रहे हो? मैं और विभू तो एक बहुत अच्छी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो भाभी जी, हम भी चल लेते हैं ना आपके साथ। अरे कहाँ भूल रहे हैं आप, भूल गए का कि हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ? बाजरे के खेत में। ये छोड़ो ना ये बचपना, भाभी जी के साथ चलते ना फिल्म देखने। नहीं नहीं, हमको बाजरे के खेत में ही जाना है। अरे यार, अरे लेकिन आप बाजरे के खेत में क्या करने जा रहे हो? तिवारी जी, क्यों लेके जा रहे हैं भाभी जी को आप बाजरे के खेत में? I'm asking you, भाभी जी को आप बाजरे के खेत में क्यों लेके जा रहे हैं? अरे बताओ पगली। हाय दिया, रोमांस करने है। क्या बात है अंगूरी जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। विभू तुमने सुना, अगली बार ना हम भी कुछ ऐसे ही ट्राई करेंगे। नहीं नहीं भाभी जी, आप खेत वेत में जाने वाली आइटम मतलब पर्सनैलिटी नहीं है, आप तो मॉल में जाने वाली पर्सनैलिटी है भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, आपको कुछ भी नहीं पता है, मैं और विभू कॉलेज के वक्त खूब खेत में जाया करते थे, कॉलेज बंक कर करके। आपको पता है एक बार क्या हुआ, वो जो खेत का मालिक है ना, उसने विभू को जंगली जानवर समझ लिया और उसके ऊपर जाल फेंक दिया। विभू बताओ ना कैसे तुमको ट्यूबवेल में डुबा डुबा के मारा था। क्या जरूरी है ऐसी बातें करना सबके सामने, डिटेल देना सबको? Is it important? Is it necessary? Come on, yaar, no. You lost it big time, yaar. Hello, ji. नमस्कार, 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 प्रोफेसर मिंटू छाबड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपकी जिंदगी में रोमांस बिल्कुल खत्म हो चुका है, अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, तो हमसे आकर मिले सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक, जकरकट्टी में हमने ना रोमांस की क्लासेस खोल ली है। सर, हम आपकी जिंदगी में रोमांस को वापस ले आएंगे, आपके सोए हुए अरमानों को जगा देंगे। सर प्लीज, प्रोफेसर मोंटी छाबड़ा, यहाँ पर किसी के अरमान नहीं सोए हुए हैं, आप जरा आगे जाइए, वहाँ अरमान जगाइए। जाइए। वैसे मैडम, आप दोनों के पतियों को देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके रोमांस की चिलम में बस कुछ दम तोड़ते हुए चिंगारियां बची। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, जाइए यहां से। छापड़ा तेरा थोपड़ा तोड़ दूंगा मैं। यू आर अ ट्रेसपासर, कूद के मेरे घर में आया, पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन, कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। हां हां, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। खराब कर दिया इसने इडियट ने। रिलैक्स विभू, घर में कूद के आया यार, क्या बातें कर रहा है यार, कि चिलम के अंगारे बुझ रहे। दिस इज रिडिकुलस, ये तो तोहमत लगा रहा है यार। अब बस सब शांत हो जाइए ना, आप भी शांत हो जाइए लड़के भैया, और चलिए बाजरे के खेत में जाने का तैयारी करते हैं। इनके लिए जाना है, चलो। देख रहा हूँ ना यार, देख रहा हूँ, देख रहा है मुझे भी। अबे अबे, अब देख के तो बैठ यार, ये किसे बैठ गया मेरे यार? फेंक तो, फेंक तो, फेंक कुछ। मैं क्या यार, ये बताओ कल देखो।
क्या तुम कहां ये खेतों में तो मिले आए, सच है तो भाभी जी के साथ फिल्म देख लेते तुम। कितना सुंदर मचान बना है, देखिए तो सही जरा। आई दिया, आइए ना। आ रहे हैं, चलो। शर्मा कह रहे हैं, आइए। यार, आइए। अरे तनिक हाथ तो दो यार। एक मिनट रुको, 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 रुको नहीं गिर जाएंगे। आई दिया, आई दिया लड़की भैया। कितना सुंदर मचान है। हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। हम ना घर पे ऐसे ही कुछ ट्राई करेंगे। तुम ना डाकू बनकर आना और मुझे ना ऐसे ही घोड़े पे बिठा के ले जाना। सुन रहे हो ना, घोड़े पे बिठा के ले जाना। क्या बहन जी, घोड़े पे बिठा के ले जाना? घोड़े पे बैठने के लिए इतनी उतावली हो रही तो जाइए घोड़े पे बैठिए ना। सोने दीजिए, इतना पैसा खर्चा करके आया हूँ एसी में सोने के लिए, कमाल है। ओ, बड़े बदतमीज है आप भाई साहब। हाँ, कोई फिल्म हॉल में सोने आता है क्या? फिल्म देखने आते हैं लोग, फिल्म हॉल में गधे सोते हैं। दिया, वो चांद देखी, चांद। अरे चांदवान छोड़ो, यहाँ मच्छर भी तो बहुत है। अकाल चुकी भैया, इतना दूर लेकर आए आपको एंजॉय करने के लिए। चलिए ना रोमांस शुरू करते हैं। अरे एक मिनट यार। हेलो, हाँ गुप्ता जी कहिए। अरे एक मिनट गुप्ता जी, है क्या आपने हमारा माल रिजेक्ट कर दिया? अरे रिजेक्ट कर दिया भाई? नहीं नहीं, कारण बताइए ना, किसके किसने किया है? अरे भाई, इलास्टिक तो दो चार कच्छों की ढीली हो जाती है, उसमें क्या हम चेंज करके दे देंगे है? बाद में बात कीजिए ना, इतना अच्छी जगह हम रोमांस करने लाए। चलिए हमारे साथ रोमांस शुरू। रोमांस यहाँ पर माल रिजेक्ट होने की नौबत आ गई तो रोमांस क्या है? हाँ गुप्ता जी कहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हमने 90,000 रुपए अपनी जेब से लगाया, अब आप कैसे माल रिजेक्ट कर सकते हैं? हम आप पे केस कर देंगे, समझे? लड़की भैया, अरे कोठे ऊपर कोठरी, हाय हाय हाय, आराम चल रहा है। अरे गुलफाम गली हमारी जान। अरे दादा का हो रहो भैया, जो आज ऐसी महफिल सूनी सूनी काय है? हुजूर, आपसे गुजारिश है। बोलो। अब से आपकी शामें रंगीन करने के लिए आप कोई और महफिल ढूंढ लीजिए, क्योंकि इस महफिल की शमा अब बुझने वाली है। झुका कह रही तुम गुलफाम? जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसो जुलम ना करो, वरना हम कहाँ जाएंगे? हुजूर, हमारा हाथ छोड़ दीजिए और बाइज्जत यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना वरना का वरना नुकीली तीली वाली झाड़ू पड़ी है वहाँ। हाउ हाउ हाउ, जा रहे गुलफाम, हम जा रहे। तुम आओ, आज मुंह ठीक नहीं है, जा रहे हम। पर ढंग से सोचियो। अरे दादा बेकार हो गया वो। बस बहुत हो गया, अब ये जिल्लत भरी जिंदगी हमें नहीं जीनी है। हमें शादी करनी है, लेकिन कौन करेगा हमसे शादी? पापा। अरे भाईजान, आप ऐसा है आपा कि जब तक आपका ये भाई जिंदा है ना, आपको अपनी शादी के लिए जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं, हजारों लड़के जो हैं वो लाइन लगा देंगे आपसे शादी करने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए। क्या हमारे कानों ने सही सुना है सक्सेना भैया? गुलफाम कली का स्वयंवर हो रही है। जी हाँ, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट्स में हमारो नाम पहले नंबर पे लिख दो, क्योंकि गुलफाम कली से शादी करने को हम तैयार हैं। अरे करवे, तूने कभी आईना में अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है जैसे सारे कोयला से मुंह धोकर आए हो। गुलफाम कली से शादी तो बस मैं ही करूंगा। अबे तुम दोनों ठहरे निहायती निठल्ले और बेवकूफ इंसान, तुम क्या घुइया शादी करोगे?
फार्म गली गली है, मुझसे परफेक्ट लौंडा पूरे कानपुर में ना मिलेगा। सारा मुंह और मसूर की दाल। चल हट। हाँ ये ठीक रहेगा। आप सुनो लौंडो, ऐसा है कि गुलफाम आपा से कौन शादी करेगा ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, ये खुद गुलफाम आपा डिसाइड करेंगे, ओके? और हम आप तीनों का इम्तिहान भी लेंगे, जो भी इस इम्तिहान में पास होगा गुलफाम कली उसी से शादी करेगी। ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी। हाँ गुड मॉर्निंग अनीता जी, कैसे बा? बस आप बताइए कैसा रहा आपका कल रात का बाजरे की खेत वाला सेशन? अब पहले आप बताइए ना, आप और प्रभुति जी कल फिल्म देखने गए थे ना, तो कैसा रहा आपका एक्सपायरीमेंट? आपका मतलब एक्सपीरियंस? सही पकड़े हैं। कैसा रहा? अंगूरी जी मेरे बारे में तो आप ना ही पूछे तो बेहतर। क्या हुआ? अरे इतनी अच्छी रोमांटिक फिल्म थी, विभू ने पूरा का पूरा मजा किरकिरा कर दिया। क्या किए प्रभुति जी? अंगूरी जी यही तो रोना है कि कुछ भी नहीं किया। आपको पता है सिर्फ उसने 10 मिनट फिल्म देखी होगी फिर सो गया। अदिया वहाँ जाके सो गए? ऐसा सो रहा था कि उसके खर्राटे की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। अदिया छोड़िए ना अंगूरी जी, मेरा तो ना वो बात सोच सोच के मूड खराब हो जाता है, मेरे बारे में छोड़िए। आप बताइए ना आपका तो बाजरे के खेत वाला सेशन बहुत मजेदार रहा होगा। अब कहा बताए आपको, कहा बताए अनीता जी, हमारा भी अनुभव बहुत ही बुरा रहा। अच्छा मतलब तिवारी जी भी मचान पे जाके सो गए? नहीं नहीं सोए नहीं। फिर उन्हें रात भर अपने एक ठो क्लिंटन से, मतलब क्लाइंट से, सही पकड़े हैं, आपने एक ठो ग्राहक के साथ रात भर फोन पर लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, और फिर हम ही परेशान होकर सो गए। गुरु जी तिवारी जी और विभू ना एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। हमको तो बहुत तानसेन हो रहा है, बहुत तानसेन हो रहा है। नहीं अंगूरी जी नहीं, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, ये वक्त इस प्रॉब्लम से लड़ने का है। वो तो ठीक है लेकिन लड़ेंगे कैसे? आपको याद है वो कल प्रोफेसर मिंटू आया था और वो ये दावा भी कर रहा था कि वो लोगों के जीवन से खोया हुआ रोमांस वापस ले आता है। हाँ वो आदमी, वो मोटा सा गोलगप्पा। एक काम करते हैं हम उसी को ना फोन करते हैं। सही पकड़े हैं। अरे ओ ओ ओ गुलफाम कली, कहाँ जा रही अपने जलवे बिखेरते भाई? आय हाय हाय। हाँ अजी हुजूर सुन लीजिए, अब से आप हमारे लिए ऐसे कमेंट्स पास नहीं करेंगे। काय का कह रही जो, एक पूरे कानपुर में ससुर तुम्हें तो ऐसे बढ़िया आइटम हो, तुम्हें ना छेड़े तो कौन को छेड़े? अब हम आइटम नहीं रहे बल्कि किसी की अमानत होने जा रहे हैं। अरे दादा तुम कौन की अमानत हो रही? हम शादी करने जा रहे हैं। तो तुम जी का बातें कर रही, वो कौन है बदनसीब? हम मतलब वो कौन है खुश नसीब जो तुमसे शादी कर रहो, जो दुनिया की अमानत को अपनी अमानत बना रहो? हम तो सलूट करेंगे बाबू सारू। वो नौजवान आ? वो नौजवान मैं हूं। ला 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 मैं हूं। वो मैं है वो। तुम इनसे शादी कर रही? मतलब तुम इन तीनों से शादी कर रही? बढ़िया है, ये बात भी सही है। वैसे भी एक अकेले से तो तुम संभलोगी ना, तुम्हें तो तीन तीन चाहिए। जी नहीं, हम इन तीनों से शादी नहीं कर रहे हैं, हमने एक प्रतियोगिता रखी है, जो जीतेगा उसी से शादी होगी। और उस प्रतियोगिता में क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, और दरोगा अप्पू सिंह जी
आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि आप मेरी गुलफाम आपा को नहीं छेड़ेंगे। हाँ आपा, आप आइए मेरे साथ, आइए। तुषारो फालतू में आपा को पापा बन रहा हुए। मैं तो समझती थी कि तुम सिर्फ काम के मामले में नल्ले हो, लेकिन तुम तो रोमांस के मामले में भी नल्ले हो। सुन रहे हो तुम? God, बात कर रहे हो तुमसे? कहां से सुनता हूँ यार, डरा दिया तुमने। ये क्या कह रही हो तुम? अरे गलत कहां कह रही हूँ मैं? कोई रोमांटिक फिल्म देखते देखते सोता है क्या? ऐसा कोई आदमी अगर सो जाए तो उसे क्या कहते, क्या कहते उसे? एक्सक्यूज मी, वो फिल्म किसी भी एंगल से रोमांटिक नहीं थी। तुम का नाम था कि पाप को जला कर राख कर दूंगा। कम ऑन यार, बात बात पे हीरो मार रहा था विलन को बेचारे को, और मुझसे किसी का इतना पिटना देखा नहीं जाता यार। और अगर तुम्हारा रोमांस का ये कॉन्सेप्ट है तो आई थिंक यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। समथिंग रॉन्ग विद यू? सिर्फ आधे घंटे शुरुआत में लड़ाई थी, उसके बाद रोमांस ही रोमांस था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुमने तो घुर्राटे लेकर सो रहे थे, पूरे हॉल को सुनाई दे रहा था। It was so embarrassing. देखो अगर फिल्म बोरिंग होती है ना तो मुझे थिएटर में नींद आ जाती है, तुम तो जानती हो। I feel sleepy. हाँ? वो फिल्म बोरिंग थी? इतनी बढ़िया फिल्म थी, पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा था। थिएटर में 12 लोग बैठे थे, वो भी आपस में बिजी थे। फिल्म कौन देख रहा था? कौन देन के मुझे? अजय हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ पगली, ऐसी क्या गलती कर दी हमने? नहीं नहीं, आप कोनो गलती नहीं किए हैं, गलती तो हमरा है जो हम आपको वो बाजरे के खेत में लेकर गए। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा पगली कि तुम हमें बाजरे के खेत में क्यों लेकर गई। हम का सोचे थे हम कि बाजरे के खेत में वो मचान के ऊपर चढ़कर हम आपके साथ बहुत रोमांस करेंगे, बहुत रोमांस, लेकिन आप हमारा सारा खेल बिगाड़ दिए। अरे 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 क्या खेल बिगाड़ दिए तुम्हारा हमने? आप सारी रात वो कचुंबर के साथ फोन पे बात कर रहे थे, अपनी तरफ देखे भी नहीं। वो कचुंबर नहीं कस्टमर होता पगली। सही पकड़े हैं आप, ग्राहक से बात करते रहे रात भर फोन पर। तुमको पता है कि उन्होंने हमारा 1,00,000 रुपए का माल रिजेक्ट करके वापिस भेज दिया है, कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। हाँ तो बिजनेस में तो नफा नुकसान चलता ही रहता है। एक का मतलब है कि का आप हमसे प्यार करना ही भूल जाएंगे? यार देखो, हमारे लिए बिजनेस सबसे पहले है, उसके बाद रोमांस है। रोमांस भी तभी करेंगे ना जब जेब में माल होगा, जेब में माल नहीं होगा तो खाक रोमांस करेंगे। माल कहाँ से लाएंगे बताइए हमको, इतना सारा माल जमा करके रखे है, वो बहुत सारे सोने के जेवर जमीन में गाड़ कर रखे है, वो 50 लाख का कैश वहाँ हाल में दबा कर रखे है, उतना सारा कैश वो बाथरूम में जमा करके पकड़ा नहीं होगा। इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे तो थोड़ा हमारे बैंड बजा के रख देंगे। अरे ऐसा कछु नहीं है यार। ऐसा ही है, तुम्हारे रोमांस के फर्नीचर को वक्त की दीमक चबा गई है। क्या बोलूं यार? कुछ मत बोलो, अब मैं जो बोल रही हूँ वैसे ही करो। वो जो आदमी आए थे ना मिंटू। कौन मिंटू? अरे वो आए थे ना अजब, हम अनीता जी और बरबूती जी के यहाँ चाय पी रहे थे। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि अगर आपकी जिंदगी से रोमांस खत्म हो गया है तो आप उनके पास जाइए, हम चलते हैं ना वहाँ। अरे यार ये क्या बचपना है अंगूरी, हमें कहीं नहीं जाना। एक्सक्यूज मी, वो ओवरफेड ओबीस मुझे रोमांस सिखाएगा? उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आई एम अनरोमांटिक। व्हाट आर यू टॉकिंग विपू, वो बहुत पहुंचा हुआ प्रोफेसर है, वो तुम्हें ठीक कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। What? अरे हम का बीमार है जो वो हमारा इलाज करेगा। देखो पगली, वैसे हमारा मूड खराब है, और खराब मत करो, हमें कहीं नहीं जाना। हाँ मीनल, पता नहीं क्या बात है, विभू से बात ही नहीं हो पा रही है मेरी। नहीं, मुझे कैसे भी करके उसे उस प्रोफेसर के पास लेके ही जाना है। क्या बताऊँ मीनल, मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी से रोमांस ही चला गया है, बड़ी टेंशन हो गई है मुझे। ऊपर से वो मैंने अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में स्पेशल डांस क्लासेस रख ली हैं। हाँ नहीं, वो बॉलीवुड की नोन कोरियोग्राफर है ना सिद्धू, हाँ उनकी मदद ले रही हूँ मैं। हाँ
भाभी जी घर पे हैं? मीना मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। विन कुंद्रा, द सुपरस्टार, प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। क्या बात है, आप हमारे घर में कैसे? अब क्या बताऊं मैं आपको, सुबह से मैं सिद्धू को ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। मैं फोन कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्शन वाले फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रही है। फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ पे किसी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए आने वाली थी आपके पास, उसके बाद सेट पे आएगी, तो मैं खुद आ गया यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए। अनीता जी, अरे हम बहुत परेशान है, बहुत परेशान। हमको समझ ना आ रहा है कि लड्डू के भैया को लव गुरु के पास कैसे ले जाएंगे। असलम जी, आप यहाँ? असलम नहीं, विन, विन कुंद्रा नाम है मेरा। सही पकड़े हैं। हाँ, उना आपके शो का प्रोमो देखे हैं हम, और कब से इंतजार कर रहे हैं उस शो का। क्या नाम है आपके शो का? सिद्धि विनायक। हाँ, इस बार आपने सही पकड़े हैं। क्या है ना कि सिद्धि विनायक का प्रीमियर 26 अक्टूबर को रात को 9 बजे होगा, जरूर देखना आप दोनों। जरूर देखेंगे। हेलो, क्या सिद्धू पहुंच गई? सुनो, उसको आराम से बिठाओ वहां पे, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैं यहाँ भाभी जी का ढूंढ रहा था उसको। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। अब आप हमारे घर आए तो मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ। नहीं, क्या मैं जरूर कॉफी पीता, क्या वो सब रेडी है, शूटिंग करनी है ना, सिद्धू भी पहुंच गया, जाना पड़ेगा। शूटिंग? हमको भी शूटिंग देखना है। आपको शूटिंग देखना है? भाभी जी कमाल करते हो, मैं आपके लिए यही एक्शन कर देता हूँ। का बोले? नहीं, मेरा मतलब है आप चलिए, आपको दिखाता हूँ शूटिंग। का बात कर रहे हैं? चलिए चलिए चलिए, बाय बाय अनीता जी। बाय। चलिए बाय बाय।